जिला ललितपुर ब्लॉक बार के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरौदा डांग में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में गौशाला में कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं है। वहीं यह बताया कि जिलाधिकारी स्वयं गौशाला के लिए खाने के लिए हर चीज भेजते हैं, यहां पर खाने के लिए कोई भी चीज की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण डोर बच्चे जो हैं वह मर रहे हैं भूख के कारण, ना ही उनके सर पर छत का निर्माण किया गया। उसी प्रकार से लगभग 3000 गौशाला में उपस्थित हैं। उसी प्रकार ने बताया कि ढोर गौशाला में अधिक मार रहे हैं, कोई गिनती करने की बात ही नहीं है, उनको ऐसे ही फेंक देते हैं और टोकन निकालकर अपने पास रख लेते हैं, वहीं पर सूचना नहीं देते हैं कि ढोर मर चुका है। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। कहाँ के निवासी हैं? रामोदारी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये गौशाला में जो है बहुत से जानवर मर रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए भूसा भी नहीं आता है समय से, 3 या 4 दिन में आता है एक ट्रैक्टर। 300 जानवर हैं और कीचड़ में सड़े हुए हैं, छाया की व्यवस्था कम है। अच्छा, टीन सेट नहीं है क्या? टीन सेट आप थोड़ा सा है। अच्छा, इसमें प्रधान से नहीं बोला कि ढोरों के लिए चरने के लिए दो? कई बार करते हैं लेकिन सुनते नहीं प्रधान, और सेक्रेटरी साहब कहीं आता नहीं, मौके पर ना जाँच करता है, वहीं बैठे बैठे अपनी रिपोर्ट लगाता है कि सही काम चल रहा है। सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं आते? अभी नहीं आते हैं, वहीं बैठे रिपोर्ट लगाते हैं कि सही चल रहा है, यहाँ बहुत से जानवर मर रहे हैं और जंगल में फेंक रहे हैं, इस बार वो बहुत फैल रही है जंगल में। इसकी शिकायत कहीं पर की थी? शिकायत तो कई बार हुई है, कोई जांच के लिए आते हैं, खाना पूरी करके चलता है, वो भूसा आता है तो भिन जाता है पानी से, वो गीला भूसा भी डालते हैं तो भी थोड़ी खाएंगे गीला भूसा। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।